हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल तन्नुदी टेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी एक जॉब लेकर आया हूँ, जिसमें दोस्तों आप महीने के 22,500 रुपये तक कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, महीने के आप 22,500 रुपये कमा सकते हैं इस जॉब को करके। ये दोस्तों जॉब है फ्री चार्ज से रिलेटेड, आपको QR कोड स्टिकर लगाने हैं फ्री चार्ज कंपनी के। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि और भी बाकी कंपनियां हैं जिनके QR कोड लगाए जा रहे हैं, जिनके मर्चेंट अकाउंट बनाए जाते हैं शॉपकीपर्स के, इसी तरह से आप फ्री चार्ज में भी मर्चेंट अकाउंट बना सकते हैं और मर्चेंट अकाउंट बनाकर आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इस जॉब के बारे में बताने वाला हूँ, आपको ये आप फ्री चार्ज के मर्चेंट एजेंट आईडी कैसे ले सकते हैं, मर्चेंट एजेंट आप कैसे बन सकते हैं, पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको दोस्तों ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्या क्या बेनिफिट आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस तरह से अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको करना क्या होता है। आपको दोस्तों इसमें भी QR कोड स्टिकर लगाने होते हैं, शॉपकीपर्स के मर्चेंट अकाउंट बनाना होता है। मर्चेंट अकाउंट आप उनका जब बना देंगे तो आपको वहाँ पे QR कोड स्टिकर लगाने होते हैं। पर ऑनबोर्डिंग के आपको 150 रुपीज़ इसमें मिलेंगे, यानी कि दोस्तों जो आपका मंथली टारगेट होता है वो 150 का होता है। 150 आप करेंगे, 150 ऑनबोर्डिंग के आपके 150 के हिसाब से 22,500 रुपये बैठते हैं दोस्तों। तो 22,500 रुपये आपको मिल जाते हैं महीने के। अगर आप कम ऑनबोर्डिंग करेंगे तो आपको कम पैसे मिल जाएंगे, पर ऑनबोर्डिंग आपको 150 के हिसाब से मिलेंगे। तो आपको 150 के हिसाब से जितने भी आपके पैसे बनेंगे वो आपके अकाउंट में हर महीने की 10 तारीख को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको जॉब अप्लाई करने के बाद क्या करना है। आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उस मोबाइल नंबर पे आपको अपनी डिटेल सेंड करनी है। जो आपको लिंक मिलेगा आप जब उस लिंक को फिल कर देंगे, आपको पूरा कंप्लीट फॉर्म फिल करके आपको अपनी डिटेल मुझे सेंड करनी है। आप अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और अपना दोस्तों जो आपकी स्टेट है वो मुझे आप मुझे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से व्हाट्सअप कर देंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर अपनी ये वाली डिटेल सारी सेंड कर देंगे तो उसके बाद आपको आईडी मिल जाएगी, उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करनी है। जो जो डिटेल आपसे मांगी जाएगी वो सभी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सभी डिटेल फिल करता हूँ मैं। सबसे पहले आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, इस नंबर पे क्लिक करने के बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपके नंबर पे एक OTP सेंड की जाएगी, वो OTP आपको यहाँ पे डालनी है। OTP डालने के बाद आप सबमिट कर देंगे, इसके बाद आपसे आपका नेम पूछा जाएगा, आप अपना नेम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना फादर नेम बताना है, आप अपना फादर नेम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस बताना है, आप अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। जो भी आपका एड्रेस होगा वो आप एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। के बाद आपकी लोकेशन सबमिट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब आपको वेट करना है, आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी बतानी है, आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना है, आप एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। अब आपको यहाँ पे अपनी सिटी का नेम डालना है, जो भी आपकी सिटी पड़ती होगी आप अपनी सिटी यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर होगा आपको 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। XYZ जो भी आपका आधार कार्ड नंबर होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालना होता है, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर होगा वो आप सही से यहाँ पे डाल देंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने पैन कार्ड की फ़ोटो डालनी होती है। आप कैमरा पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपनी फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपके पैन कार्ड की फ़ोटो होगी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली अपलोडेड यहाँ पे हो गया है। अब आपको अपनी बैंक डिटेल बतानी है, आपको अपनी बैंक डिटेल यहाँ पे डालनी होती है। आप UPI से पेमेंट लेना चाहते हैं या फिर बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप बैंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपने बैंक का नाम डालेंगे, जो भी आपके बैंक का नेम होगा वो बैंक का नेम आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद जो भी बैंक में आपका नेम होगा वो नेम आप यहाँ पे डाल देंगे।
इसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना होता है, आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने बैंक का आईएफएससी कोड डालना होता है, आप आईएफएससी कोड यहाँ पे डालेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी एक सेल्फी लेनी है। आप यहाँ पे अपनी आपको अपनी एक फ़ोटो डालनी होती है, आप अपने फ़ोन से भी डाल सकते हैं ये फ़ोटो। जैसे कि मैं यहाँ से अपनी फ़ोटो डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पे अपनी फ़ोटो डाल दी है। इसके बाद ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। अब आपको यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन पे यहाँ पे टिक पर क्लिक कर देना है। एक बार फिर से आपको यहाँ से टिक पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे पे आउट स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह सभी डिटेल आपको मिल जाती है पे आउट से रिलेटेड। अब आपको यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ का एक स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और ये स्क्रीनशॉट आपको मुझे सेंड करना है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ से अप्लाई अगेन पर क्लिक कर देंगे और इसे आप यहाँ से बस छोड़ देंगे। अब आपको आगे कुछ नहीं करना है। अब आप ये सारी डिटेल मुझे सेंड कर देंगे जो जो मैंने आपको बताई है, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी और स्टेट, ये आप मुझे सेंड कर देंगे और ये स्क्रीनशॉट जो मैंने अभी बताया, और इसी तरह से आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद आपकी मेल आईडी पर एक मेल आ जाएगा जिसमें आपको आईडी कार्ड वगैरह मिल जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेल कैसा है। ये आप देख सकते हैं, वर्कएक्स रजिस्ट्रेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे मेरा नेम आ रहा है और यहाँ पे बताया गया है कि वी आर रिलेटेड टू इन्फॉर्म यू दैट योर रजिस्ट्रेशन इज़ कम्प्लीट, योर टास्क प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हैज़ बीन सक्सेसफुली फुलफिल्ड, योर इंगेजमेंट लेटर, पे आउट डिटेल, टर्म्स एंड कंडीशन एंड आईडी कार्ड आर अटैच्ड इन दिस मेल। इस कंडीशन में आपको ये तीन अटैच फाइल मिल जाती है दोस्तों। इसमें एक तो आपका आई कार्ड होता है, एक पे आउट से रिलेटेड होता है और एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका आई कार्ड किस तरह का होगा। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का आपका आई कार्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पे एफएससी लिखा हुआ आ जाएगा, फील्ड सेल्स पार्टनर, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा वेरीफाइड सेल्स प्रोफेशनल। यहाँ पे फ्री चार्ज का लोगो मिल जाता है। और बात करें दूसरे की दोस्तों, आप यहाँ पे आउट टर्म्स देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पे आउट से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाती है। ये आपका एक तरह से ऑफर लेटर भी है और यहाँ पे इसमें आपको पे आउट से रिलेटेड भी मिल जाते हैं। ये आपका टर्म्स एंड कंडीशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाती है सभी। आप यहाँ से इसे रीड कर सकते हैं, सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाती है इस जॉब से रिलेटेड, जो भी है इसमें, जो आपको वर्क करना है, क्या क्या आपको इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या क्या आपको इसमें इंडिकेशन देखने हैं, क्या इसमें डिसइंडिकेशन है, आपको सभी इसमें मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें काफ़ी सारी PDF आपको मिल जाती है और इस तरह का मेल आपको वर्कएक्स की तरफ से आता है। आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों, ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट के बाद ही आपको मेल आ जाता है, 10-15 मिनट बाद इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये 10-15 मिनट के बाद नहीं आता है तो आप दोस्तों थोड़ा वेट करेंगे, ये जल्दी ही आ जाता है वैसे तो। आप थोड़ा वेट करेंगे तो आपको ये जल्दी ही मिल जाएगा और आप अपनी ईमेल आईडी सही से डालेंगे अपने रजिस्ट्रेशन में तो दोस्तों आपको ही मिल जाएगा। तो आप मुझे ये सभी डिटेल अपनी सेंड कर देना, सभी आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी और आपकी आईडी भी आपको मिल जाएगी और आपके QR कोड वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। और इससे रिलेटेड जो भी आपका दोस्तों क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप जो आपको मुझे नंबर दिया है उस पर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, मैं आपको जरूर पूरी पूरी हेल्प करूँगा। और दोस्तों इस तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो भी आगे ऐसे अपडेट मिलेंगे वो आप तक पहुँचा दिए जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।